देखिए 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और हम उनका शायान शान जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद वो आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और लीड करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। और ये इलेक्शन जो है ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि डिलिमिटेशन एक ज़रूरत थी, आइनी ज़रूरत थी और एक सेंसस का इत्तफाक़ी राय से जो है वो मंजूर हो जाना, अप्रूव हो जाना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये एक नेशनल अचीवमेंट है क्योंकि 17 का सेंसस जो है वो मुतनाज़िया रहा और के ऊपर ये तय था कि 18 इलेक्शन के ऊपर हुआ, लेकिन उसके बाद ये दर्ज है उस डॉक्यूमेंट में जिसमें सारी सियासी कुवतें, सियासी पार्टियाँ सेक्रेटरी हैं कि अगला इलेक्शन उस सेंसस पे नहीं होगा। तो ये अगला इलेक्शन नए सेंसस पे होना था और सेंसस की रिक्वायरमेंट है कि डीलिमिटेशन हो। डीलिमिटेशन से ही 30 नवंबर को फाइनल हो गया, नेक्स्ट 44 डेज़ के बाद इंशाल्लाह इलेक्शन डेट होगी और इलेक्शन जो होंगे इसमें किसी किस्म की कोई वो शक की बात नहीं है।